मूवी टाइम पॉपकॉर्न भाई फिल्म इंडस्ट्री चाहे कोई भी होवे हर कैटेगरी दी फिल्म बनाउंदी है ये थोनू पता ही है। असी कॉमेडी फिल्म दी तां गल कर ही चुके हैं, आओ हुण थोड़ी डरन डराउन वालियां गल्लां कर लईए। मेरा मतलब हॉरर फिल्म्स दी नहीं, क्यों की होया डर गए? ओहो मेरा शो की है मूवी टाइम ना, तो ऑब्वियसली मूवीज दी गल्लां करांगी। हुण देखो एक्शन ड्रामा रोमांटिक इदां दियां फिल्म्स तां हर हफ्ते रिलीज होंदियां ना, पर एक हॉरर फिल्म्स ही हैं जिहड़ियां महीने च एक बारी या दो महीनियां च एक बारी रिलीज होंदी है। नवंबर 2017 दे विच फिल्म रिलीज हुई सी हॉरर द हाउस नेक्स्ट डोर, उस तो बाद दिसंबर च कोई फिल्म नहीं आई। फिर जनवरी च हॉरर फिल्म आई 1921, फिर फरवरी च कोई फिल्म हॉरर नहीं आई, हुन मार्च विच फिल्म आ रही है हॉरर परी। हेलो मैं स्वर्गां दी परी दी गल नहीं कर रही, वो परियां तां बहुत ही सोहणियां हुंदियां होणगियां, पर मैं इस हॉरर फिल्म परी दी गल कर रही हाँ। वैसे इस फिल्म दी परी भी है तां बहुत सोहणी, पर फिल्म दे विच थोड़ी ड्रामनी है। जी हाँ, आज परव्यू करांगे अनुष्का शर्मा दे प्रोडक्शन हाउस क्लीन स्टेट फिल्म्स दी आउण वाली रोमांटिक ड्रामा सुपर नैचुरल थ्रिलर हॉरर फिल्म परी दी। बाहर आई है उस पे कहाँ है वो? नहीं पता। इस फिल्म को डायरेक्ट कीता है प्रोसिट रॉय ने, जिन्होंने बतौर डायरेक्टर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर कई फिल्म्स कीतियां ते बतौर राइटर भी कई फिल्म्स लिखियां, पर एज डायरेक्टर ए इना दी शायद दूजी फिल्म है। जिस काम के लिए बनी है ना वो काम समझो हो गया। नहीं कर पाएगी। ओह माय गॉड, मैंने लगा अनुष्का शर्मा आ गई, मैं तो उद्दी हेड डाउन करके पई सी। अच्छा कितने सी मैं, हाँ फिल्म की गल कर रही सी, क्लीन स्टेट फिल्म्स दियाँ पहले भी दो फिल्म्स आईयां नेशनल हाईवे 10 ते फिलौरी, जिस विच ऑब्वियसली प्रोडक्शन हाउस किदा है अनुष्का शर्मा दा, द लीड एक्ट्रेस भी कौन होएगी अनुष्का शर्मा। हुन उन्हां दी प्रोडक्शन दी तीसरी फिल्म है परी जिस विच वो लीड रोल ते ने। वैसे अनुष्का नू इंट्रोड्यूस कराने की लोड नहीं क्योंकि अपनी मैरिज दे करके ये पिछले कुछ दिनों तो वैसे ही सुर्खियां दे विच ने। अनुष्का शर्मा आज दे टाइम दे विच इंडिया दी मोस्ट पॉपुलर एंड हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हो गई है, एक फिल्म फेयर अवार्ड हासिल कीता है ते 7 नॉमिनेशन भी है। 2008 दे विच आदित्य चोपड़ा दी फिल्म तो अपनी करियर दी शुरुआत की थी, फिल्म दा नाम सी रब ने बना दी जोड़ी। उस तो बाद इन्होंने बॉलीवुड दे विच कई फिल्म्स कीतियां ते हुन कर रहे ने परी। पाइपलाइन दे विच वी अनुष्का दियां फिल्म्स ने सुई धागा, संजू एंड जीरो, जिहड़ियां कि 2018 दे विच ही शायद रिलीज़ हो जान। वैसे मैनूं एक गल नहीं समझ आई, अनुष्का ने हॉरर फिल्म क्यों कीती? दो चार साल रुक जांदे वैसे ही विराट कोहली ने डरना शुरू कर देना सी, नहीं? बेचारे का कोई नहीं है माँ। हमें इससे क्या? वैसे जब कोई कुड़ी चुड़ैल बनती है ना तो वो सिर्फ एक नू नहीं फिर बहुत सारियां नू डराउंदी है, स्पेशली मुंडिया नू क्योंकि चुड़ैल होंदी है ना। इस फिल्म की चुड़ैल भी मुंडे नू डरा रही है। केड़े मुंडे नू? परमव्रता चटर्जी नू, एक इंडियन बेंगोली एक्टर डायरेक्टर ने जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बेंगोली टैलीविजन ते फिल्म्स तो की, हिंदी फिल्म्स नाल भी जुड़े हुए ने। तुसी ऑलरेडी 2012 दे विच विद्या बालन की आई फिल्म कहानी दे विच इन्हां नू देख चुके हो। वैसे तो मैक्सिमम बेंगोली फिल्म्स ही कीतियां ने पर हिंदी फिल्म्स भी कीतियां ने, जिवें यारा सिल्ली सिल्ली, ट्रैफिक ते हुन परी। क्यों घुस रहा है सबके बीच पे? कौन मारना चाहता है आप? वो आदमी। क्यों मारना चाहता है? नहीं पता। वर्सेटाइल एक्टर डायरेक्टर ते राइटर रजत कपूर भी इस फिल्म दे विच नजर आउणगे। रजत कपूर जिन्होंने फिल्मा बनाउण दा सपना बचपन तो ही देखिया ते बनाइया भी लिखिया भी और एक्ट भी कीता, अपनी फिल्म आँखों देखी ली इन्हां नू नैशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलिया, 3 टाइम्स नैशनल अवार्ड विनर भी रहे ते हुन
परी दे विच। इना तो इलावा इस फिल्म दे विच रितु भरी चक्रवर्ती, दिव्यांदु भट्टाचार्य ते गुरमीत चौधरी दे नाल नाल होर भी बहुत सारे कलाकार काम करते हुए नजर आएंगे। बहुत डर लग रहा है मुझे, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। 1995 दे विच ईरानियन फिल्म आई सी परी, जिहड़ी कि आधारित सी जेडी स्लिंगर दे 1961 दे नॉवल फ्रेनी जोए ते, जिहड़ी कि पाशन लैंग्वेज दी रोमांटिक ड्रामा फिल्म सी। फिर 2018 दे विच पाकिस्तान दे विच फिल्म आई परी, जिहड़ी रिलीज होई सी 2 फरवरी 2018 नूं। उर्दू लैंग्वेज दी ए फिल्म सी जिसनों डायरेक्ट कीता सी सैयद आतिफ अली ने, जिसकी शूटिंग हुई सी अयूबिया दे विच, और ए भी एक हॉरर फिल्म सी। ते हुन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दे विच, आई मीन बॉलीवुड दे विच हॉरर फिल्म आ रही है भरी। रिलैक्स टीनू, रिलैक्स। इदा दे स्टंट तू ऑलरेडी कर चुकी है। हाँ याद है ना गोलमाल अगेन दे विच, मैनू डराउन की कोशिश करती है, वह भी उल्टा लटक के। मैं ऑलरेडी ये स्टंट कर चुकी सी, मैनू पता इन्होंने ये स्टंट मेरे ही उस प्रिव्यू चो कॉपी किया है। चल कोई नहीं, छड़िया देता अपने सीन का या स्टंट का कह लो कॉपीराइट। छड़ो छड़ो कोई नहीं। क्या इस फिल्म को प्रोड्यूस किया ऑब्वियसली अनुष्का शर्मा ते उन्होंने भ्रा कर्णेश शर्मा ने। फिल्म के को प्रोड्यूसर ने प्रेरणा अरोड़ा, मनोज मित्रा ते इकबाल सदीकी। फिल्म नु म्यूजिक दिता है केतन सोधा ने, ते म्यूजिक कंपोज किया है अनुपम रॉय ने। फिल्म दे विच दो पुराने गाने रीक्रिएट किए गए ने, पहला 1954 दे विच क्लासिक फिल्म नागिन दा लता मंगेशकर जी द्वारा गाया गाना मेरा दिल ये पुकारे आजा, जड़ा कि फिल्माया गया सिगा विजयंती माला जी दे। ते इस फिल्म जो गाना सुनन नु मिलेगा बड़े ही हॉरर वे दे नाल। दूसरा सॉन्ग 1977 दे विच आई फिल्म हम किसी से कम नहीं दा गाना, जिसनु गाया सी लेजेंड मोहम्मद रफी साहब ने, जिस दे बोल सन क्या हुआ तेरा वादा। ओ गाना इस फिल्म दे विच सुनन नु मिलेगा आतिफ असलम ते अरिजीत सिंह दी आवाज दे विच। मुझे पता नहीं क्या करोगी, कहां जाओगी, बस यहां से जाओ। वैसे फिल्म बनाना इतना आसान नहीं हुंदा जिन्ना उसनु देखना आसान हुंदा, ते फिर देख के उस दे बारे पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यू देना भी। कई बार हादसे भी हो जांदे ने शूटिंग दे दौरान सेट्स दे उत्ते, जिमें कि इस फिल्म दे विच वी शूटिंग दे दौरान एक हादसा हो गया जिस विच शाह आलम नाम दा एक टेक्नीशियन फौत हो गया। पर कहंदे ने ना शो मस्ट गो ऑन, दुख तां जरूर हुंदा है पर काम नहीं रुकता। स्टोरी मैनू एक गल दसो, मैनू जरूरी है दसना कि हर फिल्म की स्टोरी दसा ही दसा? नहीं ना, इस फिल्म लई तां मैनू खुद नहीं पता लग रहा कि फिल्म की स्टोरी कित्थे जाके जुड़ती है ते की कहंदी है। पर हाँ इन्ना जरूर समझ आ रहा है कि एक भूत की कहानी है, एक डेविल है जिहड़ी अपनी गेम खेल रही है। शायद इस फिल्म के हीरो नू परम नू अनुष्का शर्मा नाल मतलब प्यार हो जाता है, फिर उस तो बाद जो उसनू पता लगता है कि अनुष्का शायद किसी दे वश दे विच है जिसनू वशीकरण कहते हैं, तो फिर उस तो शायद पिछा छुड़ाना चाहता है। पर वो डेविल अपनी गेम खेलती है तो उसनू हुन बदले दी अग कह लो या कुछ भी कह लो, पर ऑनेस्टली मैनू समझ नहीं आया। पर मैनू लगता है अनुष्का दा हुन तक दा सब तो ड्रामना रोल होएगा अपने करियर दा। 1920 फिल्म आई सीगी 2012 दे विच, ऑनेस्टली दसा उस तो बाद इस फिल्म का ट्रेलर देख के मैं डर लगना शुरू हो गया।
कि शायद ये एक्चुअल हॉरर फिल्म होएगी। और पर इस गल की मैं खुशी है कि लास्ट टाइम जो मैं कहा सी शायद इस फिल्म का डायरेक्टर उस गल तो मेरी तो प्रभावित हो गया, जिमें मैं कहा सी ना कि हॉरर फिल्म आदि हैं पर डर नहीं लगता क्योंकि भूत की शक्ल ही नहीं दिखाते। खैर इस फिल्म के भूत की शक्ल भी दिखाई गई है तो अनुष्का का डर भी दिखाया गया। वैसे अनुष्का की प्रोडक्शन जीडिया पहले दो फिल्म आई हैं सन नैशनल हाईवे 10 और फिलौरी, वो एक सोसाइटी के किसी अहम मुद्दे जुड़िया हुई सन। आई होप उसकी ये फिल्म भी सोसाइटी के किसी अहम मुद्दे जुड़ी हुई होगी और जाते जाते जरूर कोई मैसेज दे के जाएगी। सो बई मैं तो इस फिल्म देखन जरूर जाऊँगी क्योंकि मैं तो पहले ही कहा कि 1920 तो बाद मैं बॉलीवुड की यह हॉरर फिल्म लगता है कि वाकई देख के इस फिल्म में डर लगेगा। डरन लिए तैयार हो? चलो फिर चलिए। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा।